आपका शुक्रिया कि आप इसको कवर करने के लिए यहाँ पे आए। ये इशू एक बर्निंग इशू है टाउन के अंदर। म्यूनसिपल कमेटी की जानब से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट अलाट हुआ है, जिसके तहत ये सारा जो शहर के अंदर की नालियाँ हैं ये साफ करनी है और उनको ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना है। ये एक अच्छा स्टेप है, बट थोड़ी सी दिक्कत ये हुई कि जो हमारे ठेकेदार साहब की लेबर थी उसने सुबह जो मलबा निकाला वो साथ साथ उठाया नहीं गया, जिसकी वजह से बाज़ार में ट्रैफिक भी जामिंग हुई और जो हमारे आसपास के ठेकेदार हमारे दुकानदार हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो हमें डी साहब से मैसेज आया और SHO साहब को, SSP साहब से भी मैसेज आया, DTI साहब हमारे साथ हैं, SSO साहब हमारे साथ हैं, हम मौके पे आए। हमने ये कोशिश की कि जो मलबा था ठेकेदार साहब को कहा कि वो इमीजिएटली वहाँ से उठाया जाए। उन्होंने कुछ उठा भी लिया, कुछ इंश्योर किया कि बाकी वाला उठा लेंगे। और अब ये डिसाइड किया है कि जो ये काम है ये ठेकेदार साहब 5 बजे के बाद काम करेंगे, जिस वक्त मार्केट में आवाजाही कम होती है। साथ साथ में हमने ये मशवरा किया है आपस में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिविल ने कि हम जो बड़ी गाड़ियाँ हैं अभी हम जा रहे हैं जो बाईपास रोड है उसमें देख रहे हैं, अगर वहाँ फिजिबिलिटी है तो बड़ी गाड़ियाँ हम बाइक डाइवर्ट करेंगे ताकि ट्रैफिक भी हमारा अच्छे से मैनेज हो। साथ साथ में SHO साहब ने ये इंश्योर किया कि हम मैन पावर जो हमारी पुलिस की मैन पावर है वहाँ बाजार में थोड़ी सी बढ़ा देंगे ताकि काम डेवलपमेंट का स्मूथ चले, काम भी चले, लेकिन साथ साथ में पब्लिक और दुकानदार हमारे सफर ना हो। और मैंने इमीजिएटली EO साहब को भी कहा, इंस्पेक्टर को भी कहा है, वो अपनी सफाई की टीम दोबारा भेज रहे हैं और यहाँ अभी केमिकल का स्प्रे भी करेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, इसको मैनेज कर लिया गया और अब आगे के लिए ठेकेदार साहब ने भी इंश्योर किया, हम भी कोशिश करेंगे प्रॉब्लम नहीं हो।